गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम फॉर आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एमसीक्यूज की सीरीज में पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम। 100+ एमसीक्यूज की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज के आज अगले चरण में हम देखेंगे आज ये एमसीक्यूज। इससे पहले दोस्तों, हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों के वन लाइनर क्वेश्चंस भी अपनी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हम बिना देर करें आज के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव बीवी मेमन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हमें ये पढ़ने हैं पहले और पढ़ के फिर हम इनका आंसर लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। हाँ जी बिल्कुल, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है, सही बात है। अगला, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। बिल्कुल सही है, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। अगला, तीसरा ऑप्शन, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। बिल्कुल सही है, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जोधपुर राज्य जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। शाहपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा था। हाँ जी बिल्कुल, जितनी भी राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 19 रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। तो चारों ही आंसर इसके सही है, तो उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, डी, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में संविधान का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया? तो मेवाड़ में जो संविधान प्रस्ताव तैयार किया गया वो के एम मुंशी के द्वारा तैयार किया गया, कन्हैया लाल मुंशी के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो राजस्थान में उस समय 26 जिले थे, 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को ही बना था, अजमेर जो है 26वां जिला बना था और 1 नवंबर 1956 को 26 जिले थे। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? तो दोस्तों, मत्स्य संघ में जो है कोटा जिला नहीं था। मत्स्य संघ में 4 जिले आते थे, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली, 4 जिले थे मत्स्य संघ में। इन 4 के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो सब उत्तर सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर का, स्वाधीन भारत में नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधि में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे तथा दूसरे कौन थे? तो दोस्तों, दूसरे थे बाबू राज बहादुर, भरतपुर के बाबू राज बहादुर थे मनोनीत सदस्य जो है उसमें संविधान सभा के लिए मनोनीत सदस्य। राजस्थान से कुल 10 चुने गए थे, उन 10 में से एक थे बाबू राज बहादुर और एक थे अलवर से श्री रामचंद्र उपाध्याय। तो अगला क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से रहे थे? तो
अजमेर मेरवाड़ा में जो है मुख्यमंत्री रहे थे हरी भाऊ उपाध्याय, हरी भाऊ उपाध्याय जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन, 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक करके अलग ठिकाना बनाया गया था? कुशलगढ़ को 1869 में किस रियासत से अलग करके अलग ठिकाना बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से अलग करके एक ठिकाना बनाया गया था कुशलगढ़ को, जो कि बांसवाड़ा जिले के अंदर ही वर्तमान में भी। राजस्थान का वह रियासत जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसने बाद में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी कि सबसे बाद में अधिनियम पर हस्ताक्षर किसने किए थे? धौलपुर ने किए थे 15 अगस्त 1947 को। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। एन वी गौडगिल ने पहले दो चरणों का उद्घाटन किया था, एक तो मत्स्य संघ का और एक पूर्वी राजस्थान का, इसने दो संघों का उद्घाटन किया था एन वी गौडगिल ने। अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, 25 मार्च 1948 में जिस रियासत का विलय हुआ था वो थी अलवर सिरोही भरतपुर। दोस्तों अलवर भरतपुर तो मत्स्य संघ में पहले संघ में ही हो गई थी, 18 मार्च को ही हो गई थी, 18 मार्च 1948। सिरोही सबसे अंत में हुआ था, तीन चरणों में हुआ है सिरोही। तो ये प्रतापगढ़ थी जो पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल हुई थी। प्रतापगढ़ दूसरे चरण में जो विलय हुआ था वो दूसरे चरण के अंदर 9 रियासत और 2 ठिकाने थे, तो उनमें से एक रियासत प्रतापगढ़ थी। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान का एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ था? तो अजमेर और सुनेल टप्पा को मिला के हुआ था, अजमेर और सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश से आया था, 1956 तक मध्य प्रदेश में था ये जगह, और 1956 के बाद कहाँ गया? हाँ, 1956 के बाद जो ये राजस्थान में शामिल किया गया था सुनेल टप्पा जो है, अजमेर और सुनेल टप्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, और भारत के एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान की रियासत में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो किसके पास था? तो एजीजी के पास था। स्वतंत्रता से पूर्व तक एजीजी यहाँ का प्रशासक हुआ करता था, एजीजी के पास इसका दायित्व होता था शांति व्यवस्था बनाए रखने का। अगला क्वेश्चन, पंद्रह नंबर का, सरदार पटेल 6 चरणों का एकीकरण, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों उन्होंने जो है 7वें चरण में भाग नहीं लिया था। 7वें चरण में, राजस्थान के 7वें चरण के एकीकरण में भाग नहीं लिया था। एक्चुअली 7वें चरण में जो माउंट आबू जो था, माउंट आबू जो क्षेत्र था, वो सरदार पटेल चाहते थे कि वो क्षेत्र जो है गुजरात में चला जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा काफी प्रयास के बाद में माउंट आबू को राजस्थान में मिलाया गया था, तो उन्होंने 7वें चरण में जो है भाग नहीं लिया था माउंट आबू वो उन्होंने। राजस्थान संभाग के किस राज्य में, किस राज्य के नरेश सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित किए थे, हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले बीकानेर के शासक थे
बीकानेर के शासक थे, सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले शासक थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के इतिहास का क्या महत्व है? तो राजस्थान के इतिहास का महत्व 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी एक तो, और उस दिन जो है शासन जो है जनप्रतिनिधियों के हाथ में आया था, इसलिए 30 मार्च को जो स्थापना दिवस मनाते हैं। इस दिन जो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ था और इसका नाम राजस्थान, बृहद राजस्थान रखा गया था, जो कि लगभग लगभग वर्तमान स्वरूप में आ गया था, एग्जैक्ट नहीं, लगभग लगभग वर्तमान स्वरूप में आ गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो दोस्तों भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के शासक थे एकीकरण के समय पर। पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? पूर्व राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। पूर्व राजस्थान का निर्माण जो है 25 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था और अप्रैल में जो है उदयपुर भी इसमें शामिल हो गया था तीसरे चरण में। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराज भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो वो उदयपुर के थे, उदयपुर रियासत से संबंधित थे, जो कि वर्तमान में उदयपुर जिले के उदयपुर जिला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को चुना गया था और हीरालाल शास्त्री ही पहले नियुक्त मुख्यमंत्री भी थे, पहले जो मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के, लेकिन पहले निर्वाचित नहीं थे, पहले नियुक्त थे। पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 15 मार्च, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कि कोटा के महाराव थे, कोटा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, कब दिया गया था? राज्य प्रमुख को, राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था, वो किया था 1956 में, कब किया था? 1956 में, कहाँ है पेंसिल, ये। अगला, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, ये। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? सवाई माधोपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर व चित्तौड़गढ़, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी नहीं थी सब। 25वां क्वेश्चन जो है, इस नाम से, इन नामों से कोई रियासतें नहीं थी, 19 रियासत थी कुल मिला के राजस्थान के अंदर उस समय में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो उदयपुर को शामिल करके किया गया था दोस्तों, उदयपुर को शामिल करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया था? तो संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख जो बनाया था वो भूपाल सिंह को बनाया था, उदयपुर नरेश, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया था। अगला क्वेश्चन, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सिरोही का विलय जो हुआ है राजस्थान में,
वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, सबसे अंत में हुआ है। सिरोही का वैसे 3 चरणों में हुआ है, पर सबसे अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को इसका जो विलय पूर्ण हुआ है सिरोही का। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो दोस्तों उदयपुर महाराज ने, सॉरी जोधपुर महाराज ने, मारवाड़ नरेश ने जो है पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, और ये मारवाड़ के शासक जो थे उस समय पे वो थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह उस समय मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे, जिन्होंने पाकिस्तान में जाने का प्रयास किया था भोपाल नरेश के कहने पर। भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधियों के नाम बताओ। मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन से थे, किसमें संविधान संघ के लिए 2 प्रतिनिधि भेजे थे मेवाड़ से, वो कौन कौन से थे? एक थे सर टी वीर राघवाचार्य और दूसरे थे माणिकलाल वर्मा। ये दोनों संविधान सभा के लिए मनोनीत हुए थे मेवाड़ से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आया हुआ है 1 नवंबर 1956, जिस दिन सातवां चरण पूर्ण हुआ था, सातवां चरण पूर्ण होने के साथ ही 1 नवंबर 1956 को जो है ये डेट थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरठ और मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिनका क्या नाम था? स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी, तो दोस्तों इसको कहते थे विधानसभा न कह के इसको धारासभा कहते थे, धारासभा कहते थे इसको, धारासभा इसका सही उत्तर है। केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेशों में धारासभाएं थी और जो प्रांत थे प्रांतों में विधानसभाएं बनी थी। राजस्थान का निर्माण तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तृतीय चरण में, तृतीय चरण में जो राजधानी बनाई थी वो उदयपुर को बनाया था। उदयपुर के महाराणा इसी शर्त पर शामिल हुए थे कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, उन्हें राजप्रमुख बनाया जाए, आजीवन उन्हें पेंशन दी जाए, इस तरह की शर्तों पर वो शामिल हुए थे। आजन्म उन्हें क्या नाम है वंशानुगत तरीके से राजप्रमुख रखा जाए, ये उनकी शर्तें थी उदयपुर महाराज की, तब जाके वो इसमें शामिल हुए थे। 1946 में संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि की संख्या क्या थी? 1946 में संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो ये प्रतिनिधियों की संख्या 12 थी, 10 + 2 12 संख्या थी। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो माणिकलाल वर्मा थे, माणिकलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। बृहद राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो बृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। सुमेलित कीजिए, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए 37 नंबर का। आइए देखते हैं इसको, 37 नंबर के को सुमेलित कीजिए। पहला है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का संबंध किससे है? तो दोस्तों मत्स्य संघ का संबंध है
हीरा शोवा राम से, मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री रहे वो शोवा राम रहे थे। पूर्व राजस्थान संघ का संबंध जो है गोकुल लाल लासावा से, और संयुक्त राजस्थान का माणिकलाल से है, संयुक्त राजस्थान के माणिकलाल रहे थे, और बृहद राजस्थान का हीरालाल से, ये इनके संबंध। इनके प्रधानमंत्रियों के नाम है, एक्चुअली मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री रहे थे वो शोभाराम कुमावत थे। पूर्व राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा थे, और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे उदयपुर के, और बृहद राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे जयपुर के। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल में, 18 अप्रैल को जो है विलय हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को, मत्स्य संघ बनने के ठीक 1 महीने बाद। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल को हुआ था, उदयपुर जब ऐड हो गया था 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का। पूर्व संघ का जो निर्माण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था, जबकि मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को हुआ था, और बृहद राजस्थान का निर्माण जो हुआ था वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है देखना है जी आपके। कहाँ गया? या 40 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान एवं मत्स्य संघ बृहद राजस्थान बना था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। संयुक्त राजस्थान अगला है। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान बना था? हाँ जी। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, ये सब राजस्थान संघ में थे। हाँ, पूर्वी राजस्थान संघ में थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मत्स्य संघ में थे। ये तो पहला ही आंसर सही, गलत है इसका। ये जो है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ बृहद राजस्थान नहीं बने थे, बट बृहद राजस्थान में तो जो है संयुक्त राजस्थान और क्या नाम है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राज्य मिलके जब बृहद राजस्थान बना था। 41, संयुक्त बृहद राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त बृहद राजस्थान जो है, तो दोस्तों ये आया था, संयुक्त बृहद राजस्थान जो अस्तित्व में आया था वो 1949 में आया था, 15 मई 1949 को, संयुक्त बृहद राजस्थान। पांचवा चरण और छठवां चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। निम्न में से किसका विलय बृहद राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान में जो जिसका नहीं किया गया था वो नीमराणा था। नीमराणा जो है मत्स्य संघ का हिस्सा था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के अलावा नीमराणा एक ठिकाना था जो मत्स्य राजस्थान में शामिल हुआ था, ये बृहद राजस्थान में नहीं था, मत्स्य संघ में शामिल था। बृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था, बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। चौथे चरण में राजधानी जयपुर आ गई थी, उसके बाद पांचवें, छठवें, सातवें सभी चरणों में जयपुर ही रही थी। अगला क्वेश्चन, बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो
तो बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे जमुना लाल बजाज, बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निर्माण में प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे, तो मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतें, इसके इनके अलावा नीमराणा ठिकाना, यानी कि डी ऑप्शन सही है, नीमराणा ठिकाना इसमें दे नहीं रखा, नीमराणा ठिकाना भी इसमें शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था, मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय किया गया था वो विलय हुआ था 15 मई 1949 को, पांचवें चरण के दौरान विलय हो गया था। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया था, तो जो समिति थी वो थी शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर जो है मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो दोस्तों मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी उस समय एकीकरण के समय पे, यानी कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय पे मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख, यानी कि जिसे लगभग 2 करोड़ कह देते, लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी आय थी, 184 लाख रुपए आय थी इसकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथन का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला है पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी अलवर थी, नहीं जी, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी, अलवर जो राजधानी थी वो मत्स्य संघ की थी, पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, हाँ जी बिल्कुल, संयुक्त राजस्थान संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और कोटा के किले में हुआ था उद्घाटन हुआ, जबकि मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ के किले में हुआ था। बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था, हाँ जी बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन भी इन्होंने किया था वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि जयपुर के सिटी पैलेस में किया गया था। जयपुर को राजस्थान की राजधानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, हाँ जी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 इसमें सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था, तो दोस्तों 19 राज्य, 3 ठिकाने और 1 केंद्रशासित प्रदेश से मिलके राजस्थान राज्य बना था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 रजवाड़े। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था, तो मत्स्य संघ जो है 18 मार्च 1948 को अस्तित्व में आ गया था। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था, तो दोस्तों मत्स्य संघ रखने का जो सुझाव दिया था वो दिया था श्री के एस मुंशी ने, कन्हैया लाल मुंशी ने इसका सुझाव दिया था। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई थी, कोटा को राजधानी बनाया था। सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने इसका सुझाव दिया था राजस्थान यूनियन बनाने का। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का, कि राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन,
30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित चार बड़ी रियासतों के विलयीकरण के बाद बृहद राजस्थान का गठन हो गया था। तो भाई चार बड़ी रियासत थी, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो इनको आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसमें यह अधिकार था कि भारतीय राज्य जो है वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो भारत में विलय कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं। ये एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो दोस्तों गोकुल भट्ट, गोकुल भाई भट्ट जो कि वहीं के थे, उसी मेवाड़ राज्य के रहने वाले थे, सिरोही जिले में उनका गांव पड़ता था, तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था माउंट आबू को राजस्थान में शामिल कराने के लिए। अदरवाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात में इसको शामिल करना चाहते थे, जबकि ये पर्यटक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भट्ट के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया माउंट आबू को राजस्थान में सम्मिलित कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ रियासत जो है वो सबसे प्राचीन थी और सबसे नवीन झालावाड़ थी। बृहद राजस्थान के निर्माण की योजना किसने बनाई थी? तो बृहद राजस्थान के निर्माण की योजना राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। राम मनोहर लोहिया द्वारा बृहद राजस्थान के निर्माण की योजना बनाई गई थी। मत्स्य संघ किस रियासत में, संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ को किस रियासत ने संयुक्त बृहद राजस्थान में विलय से आनाकानी की थी? तो दोस्तों धौलपुर रियासत ने की थी, धौलपुर रियासत ने संयुक्त राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी। मत्स्य का प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को, जो कि अलवर से संबंध रखते हैं। सुनील टप्पा जो कि मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय हुआ, राजस्थान में कब विलय हुआ था इसका? इसका विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रथम दो चरणों का उद्घाटन जो किया गया था वो एनवी गौड़गिल के द्वारा किया गया था और शेष तीन चरणों का उद्घाटन जो है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो मारवाड़ थी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है शाहपुरा थी जो कि भीलवाड़ा में पड़ती है। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहां किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था वो उदयपुर में किया गया था, कोटा में किया गया था। इसमें उदयपुर उत्तर कर रखा है, पर मेरे हिसाब से कोटा में होना चाहिए, कोटा सही उत्तर है इसका। कोटा के किले में किया गया था दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन दोनों का, सही कर ले, इसको कोटा में किया गया था उद्घाटन। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह को बनाया गया था, धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह को बनाया गया था। उस समय जो है
अलवर और भरतपुर बड़ी रियासत थी हालांकि, पर अलवर और भरतपुर के महाराज को न बनाकर धौलपुर नरेश को बनाया गया था महाराज प्रमुख, क्योंकि भरतपुर और धौलपुर की दो रियासत ऐसी थी जो राजस्थान में विलय होना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन कौन चले वो? हाँ, जो है बृहद राजस्थान के निर्माण की योजना किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ी लिया, राम मनोहर लोहिया। ये 68 नंबर का क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था वो 12,000 वर्ग मील था। 12,000 वर्ग मील मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां किया गया था? तो भरतपुर के किले में किया गया था, लोहागढ़ के किले में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, राज्य के एकीकरण के दौरान सिरोही की राजस्थान में, सिरोही राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो सिरोही राजस्थान के सप्तम चरण में शामिल हुआ था, सप्तम चरण में और सप्तम चरण में, और जो है सिरोही जो है तीन चरणों में शामिल हुआ था राजस्थान के अंदर। तो मुख्यतः जो सिरोही जिला था वो छठवें चरण में शामिल हुआ था, और सिरोही के जो अंतिम रियासत थी माउंट आबू वो सातवें चरण में, सिरोही रियासत का एक भाग थी आबू जो है वो सातवें चरण में शामिल हुई थी। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका विलय जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था सातवें चरण में। स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे छोटी रियासत जो है वो शाहपुरा थी। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन वी गौडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था, और पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन भी एन वी गौडगिल के द्वारा किया गया था। पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री अशावा को बनाया गया था, गोकुल लाल अशावा को पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बृहद राजस्थान का उद्घाटन जो जयपुर में किया गया था, सिटी पैलेस में। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजस्थान संघ का उद्घाटन जो है कोटा के किले में किया गया था। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का, निम्न में से किस रियासत का विलय बृहद राजस्थान में नहीं हुआ था? बृहद राजस्थान में जो है जयपुर जोधपुर सिरोही का नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? तीन ठिकाने 19 रियासत, एक तीन ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रवीर सिंह, महाराज चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बांसवाड़ा के राजा थे, चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। निम्न में से किस रियासत में स्वतंत्रता के समय ठिकाना नहीं था? निम्न में से किस रियासत में स्वतंत्रता के समय ठिकाना नहीं था? तो भरतपुर रियासत में नहीं था ठिकाना, बांसवाड़ा रियासत में ठिकाना था, किशनगढ़ ठिकाना था, टोंक रियासत में ठिकाना था, और अलवर रियासत में भी ठिकाना था। तीनों रियासतों में ठिकाने थे, भरतपुर रियासत में उस समय ठिकाना नहीं था। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? यानी कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जो किया गया था वो जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन
82 नंबर का। नीम राणा, नीम राणा चीफसिया, चीफ सिप, ठिकाना जो है मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ था दोस्तों? मत्स्य संघ में उसी दिन शामिल हो गया जब मत्स्य संघ बना था, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? तो स्वतंत्रता के समय कुशलगढ़, निमराणा, लावा तीनों ठिकाने थे, बांसवाड़ा नाम का ठिकाना नहीं था। बांसवाड़ा जो है एक रियासत थी, कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत के अधीन था, निमराणा अलवर रियासत के अधीन था, और लावा जो है टोंक रियासत के अधीन था। और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि मुस्लिम रियासत थी। बृहद राजस्थान के गठन के समय पे शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? तो बीकानेर को शिक्षा विभाग प्रदान किया गया था, भरतपुर को कृषि विभाग प्रदान किया गया था, और जोधपुर को जो है न्याय विभाग प्रदान किया गया था। इसी प्रकार उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था। तो इस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ था। बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो बृहद राजस्थान का राज प्रमुख जो बनाया गया था वो मानसिंह को बनाया गया था, मानसिंह द्वितीय को, जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय को। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय के बाद नई राजधानी कहां रखी थी? तो नई राजधानी जो है मेवाड़ के विलय के बाद उदयपुर में की गई थी। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेज पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जबकि सबसे अंत में धौलपुर के शासक ने 15 अगस्त 1947 को किए थे। 7 अगस्त 1947 को शार्दुल सिंह बीकानेर नरेश के द्वारा सबसे पहले हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे कहा गया है? तो जो बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें जिसमें शामिल हुई थी, वो चतुर्थ चरण को सबसे बड़ा चरण माना गया था। अगला है लावा किस रियासत का ठिकाना था? तो टोंक रियासत का ठिकाना था लावा। अगला क्वेश्चन, शंकर राव देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? तो इसका पंचम चरण से है। शंकर देव समिति जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में शामिल किया गया था, इसकी सिफारिश पर किया गया था। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर बृहद राजस्थान में शामिल किया था मत्स्य संघ को। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो दोस्तों पहली बार राजस्थान में चुनाव हुए थे 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब टीकाराम पालीवाल को एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। टीकाराम पालीवाल निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री, जबकि चयनित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। 92 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1956 से प्रारंभ हुई थी राज्यपाल की व्यवस्था जो है, राज्यपाल उसके क्या नाम है, राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था, राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान के गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। बाकी सभी ठिकाने जो है, जितनी भी रियासतें थी वो सब बी श्रेणी की थी, अकेला अजमेर जो है केंद्र शासित राज्य होने के कारण सी श्रेणी का राज्य था। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित किया गया था? तो ये संविधान का 7वां संशोधन हुआ था, संविधान के 7वें संशोधन के तहत जो है राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को
प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिरोही रियासत संयुक्त राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया दिया गया था? तो राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया था, राजस्थान को बी श्रेणी का राज्य बनाया था, जो कि बाद में चल के ये सारी श्रेणियां खत्म कर दी थी 7वें संविधान संशोधन में। पूर्व संविधान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें व ठिकानों का विलय हुआ था? तो 19 रियासत पूर्व राजस्थान, सॉरी पूर्व राजस्थान में 9 रियासतों का विलय हुआ था, 9 रियासत और एक ठिकाने का शामिल हुआ था, वो ठिकाना था लावा ठिकाना। किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान में एकीकरण का अंतिम चरण पूर्ण हुआ था? तो कौन से मुख्यमंत्री थे उस समय पे? तो दोस्तों उस समय पे जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के समय पे 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का अंतिम चरण का एकीकरण समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों देखिए, भरतपुर में कृषि विभाग स्थापित किया गया था, जोधपुर में हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, न्याय विभाग था, बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग था, और उदयपुर में खनिज विभाग था। ये अपन पहले ही बता चुके हैं, ये विभाग स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इस बार जो है। दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया था वो महाराज भीमसेन ने दिया था, कोटा के ने के नहीं, महाराज भीमसेन ने दिया था हाड़ौती संघ बनाने का। सही है, हाड़ौती संघ बनाने का महाराज भीमसेन ने ही प्रस्ताव दिया था। राजस्थान के रियासत का एकीकरण के समय पर जोधपुर राज्य का महाराज कौन थे? जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह थे, जो पाकिस्तान में पहले होना चाहते थे, हनुमंत सिंह। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ निम्नलिखित में से देसी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, इसमें शामिल नहीं थे। उदयपुर, उदयपुर शामिल नहीं था, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये शामिल नहीं थे। किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलबाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये थी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलबाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था 7वें चरण में। कितने सोपानों में सिरोही कुर का राजस्थान में विलय हुआ था? तो दोस्तों 3 चरणों में राजस्थान का विलय, सिरोही का विलय हुआ था। शंकर देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता को इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं? इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इस समिति के अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। शंकर राव देव समिति को भरतपुर और अलवर की, भरतपुर और धौलपुर की, क्योंकि ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे, तो यहाँ जनता से राय शुमारी की गई थी। तो भरतपुर के जो छोटे भाई थे देशराज सिंह, उन्होंने जो है, वो जो एक जाट नेता भी थे, उन्होंने इस चीज का काफी विरोध किया था।
बृहत्तर राजस्थान संघ, बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ते हैं, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। हाँ जी किया गया था। ये क्या, सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया था। सिरोंज तो उसको दे दिया था मध्य प्रदेश को, सिरोंज के बदले सुनील टप्पा लिया गया था राजस्थान में। ये गलत है। आबू एवं देलवाड़ा का राजस्थान में सम्मिलित है। हाँ जी है, बिल्कुल सम्मिलित है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। हाँ जी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? तो सिरोही का जो विलय हुआ था वो हीरालाल शास्त्री के समय पर हुआ था। किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया था? तो एकीकृत प्रांत के रूप में जो है अकबर ने किया था। किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया था? तो वो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन 111 नंबर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कब तक का समय दिया था? तो उनको जो समय दिया था वो 14 अगस्त तक का समय दिया था, 14 अगस्त 1947 तक का। निम्नलिखित सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो एक में है राजस्थान का संघ, राजस्थान का निर्माण, और दूसरी सूची में है दिनांक। देखिए मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को हुआ था, पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को हुआ था, संयुक्त राजस्थान संघ तीसरे चरण में यानी कि 18 मार्च 1948 को हुआ था, और बृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1948 को हुआ था। ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 113 नंबर का, निम्नलिखित सूची को सुमेलित करनी है, ये भी सूची सुमेलित करनी है। सूची एक में श्रेणी है और सूची दो में जो है सम्मिलित राज्य है। श्रेणी सी, सी श्रेणी का राज्य था अजमेर मेरवाड़ा। कहाँ है इसमें? नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्य, स्वतंत्रता से पूर्व प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्य ए श्रेणी के थे। छोटे राज्य जहां ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था। दोस्तों इसका जो आंसर है, जो छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी स्वतंत्रता से प्राप्ति के उपरांत, कई छोटी बड़ी रियासतें जो थी वो तो बी श्रेणी में थी। बी श्रेणी में जो है छोटी बड़ी रियासत थी, और ए श्रेणी के अंदर जो थे वो स्वतंत्र एवं ब्रिटिश अधीन थे। ए श्रेणी वाले जो है ब्रिटिश के अधीन वाले राज्य थे, और बची सी श्रेणी, सी श्रेणी में छोटे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था, यानी कि जो केंद्र शासित राज्य थे वो थे सी श्रेणी में, जैसे अजमेर बीरबड़। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये फिर सुमेलित करने आइए देखते हैं।
सुनील टप्पा 1 नवंबर 1956 को आया, 1 नवंबर असुमेलित, देखना सुमेलित कौन सा नहीं है, हाँ सुनील टप्पा जो है सुमेलित है। बीकानेर राज्य 18 अप्रैल 1948 को, नहीं जी ये हुआ था 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान में शामिल हुआ था। कोटा 25 मार्च को शामिल हुआ था, सही है। सिरोही जो है 26 जनवरी 1950 को शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है। बृहद राजस्थान के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत कथन ढूंढना है हमें। आइए देखते हैं, पहला है बृहद राजस्थान का विधिवत उद्घाटन जो है जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था सिटी पैलेस में, बिल्कुल सही है। दूसरा है जयपुर महाराज सवाई मानसिंह को द्वितीय को राज प्रमुख और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, जबकि कोटा के महाराज भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है हाईकोर्ट बीकानेर में, शिक्षा विभाग अजमेर में, ये गलत है। हाईकोर्ट जो है जोधपुर में किया गया था, शिक्षा विभाग बीकानेर में किया गया था, वन एवं सहकारिता विभाग को कोटा में किया गया था, उदयपुर में खनिज विभाग था और कृषि विभाग को भरतपुर में किया गया था। अगला है श्री बी पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, हाँ जी सत्यनारायण राव की समिति पे की सिफारिश पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था, तो गंगानगर जो है बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, उस समय बीकानेर रियासत थी और बीकानेर रियासत का हिस्सा था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100+ क्वेश्चन, जो 100+ में भी 116 क्वेश्चन हो गए आज हमारे, और आपने हमारा ये वीडियोस देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे अनुरोध है। चलिए वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।